आप देख रहे हैं TNB। कोरोना के तीसरे लहर की संभावनाओं के बीच राजधानी दिल्ली में कोरोना संक्रमण के मामलों में कमी के साथ ही अब स्कूलों को खोलने का फैसला सरकार ने ले लिया है। 1 सितंबर से 9वीं से 12वीं कक्षा तक के स्कूलों को अब खोला जा रहा है। वहीं 8 सितंबर से 8वीं कक्षा के विद्यार्थियों को स्कूल बुलाया जाएगा। हालांकि स्कूल आने से पहले बच्चों को अपने अभिभावकों की मंजूरी लेनी होगी। बता दें, डिप्टी CM मनीष सिसोदिया ने कहा कि दिल्ली में सावधानियों के साथ स्कूलों को चरणबद्ध तरीके से स्कूल खोले जाएंगे। दिल्ली में और देश भर में कोरोना के केसेस अब कम हो रहे हैं और हम सब देख रहे हैं कि किस तरह से रोज़ाना का जो पॉजिटिविटी रेट है वो भी अब 0.1% से लगातार नीचे चल रहा है पिछले कई हफ्ते से। तो ऐसे में आज DDMA की बैठक हुई और सब इस बात पर सहमत थे कि अब हमें इस बारे में भी निर्णय लेना चाहिए कि जैसे जैसे इकोनॉमिक एक्टिविटी खुली है और करीब करीब दिल्ली में सारी एक्टिविटीज़ खुल गई हैं वे इकोनॉमी से संबंधित, वैसे ही अब हमें एजुकेशन की अपनी एक्टिविटीज़ को भी पटरी पर लाना चाहिए, क्योंकि एजुकेशन को काफ़ी नुकसान हो चुका है। हम चाहे जो कहें, लेकिन ऑनलाइन एजुकेशन कभी भी ऑफलाइन एजुकेशन का विकल्प नहीं हो सकती। इस बात को सब टीचर्स मानते हैं, बच्चे मानते हैं, एक्सपर्ट्स मानते हैं कि जो पढ़ाई स्कूल में आके होती है वो कभी भी घर पे बैठ के ऑनलाइन कमरों में ऑनलाइन बैठ के तो हो ही नहीं सकती है। और सब मानते हैं कि एजुकेशन का काफ़ी नुकसान हुआ है, इसलिए आज इस बारे में निर्णय लिया गया कि दिल्ली में स्कूल, कॉलेज, कोचिंग एक्टिविटीज़ शुरू की जाएँ, पूरी सावधानी के साथ शुरू की जाएँ, और ख़ास तौर से जब स्कूल की बात आए तो धीरे धीरे शुरू की जाएँ। जैसे इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ धीरे धीरे शुरू की थी, वैसे ही स्कूल खोलने की एक्टिविटी भी धीरे धीरे शुरू हो। तो 1 सितंबर से दिल्ली में 9वीं से 12वीं के स्कूल और उस एज ग्रुप के बच्चों की कोचिंग या उससे बड़े बच्चों की कोचिंग सेंटर्स और साथ साथ सभी कॉलेजेस खोलने के लिए इजाज़त दे दी जाएगी। और सभी कॉलेजेस खोले जा सकते हैं, यूनिवर्सिटीज़ खोली जा सकती हैं, सभी कोचिंग सेंटर्स खोले जा सकते हैं, 9वीं से 12वीं के सभी गवर्नमेंट प्राइवेट स्कूल खोले जा सकते हैं। यहाँ पर ये बहुत ज़रूरी है कि जो भी स्कूल खोला जाएगा, जो भी कॉलेज खोला जाएगा, कोचिंग इंस्टीट्यूट खोला जाएगा, वहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग का बहुत सख्ती से पालन हो और किसी भी बच्चे को बाध्य नहीं किया जाएगा स्कूल आने के लिए। स्कूल कॉलेज ब्लेंडेड मोड में चलेंगे। अगर पेरेंट्स की परमिशन नहीं है, बच्चों को स्कूल बुलाने के लिए पेरेंट्स की परमिशन ज़रूरी होगी, और अगर पेरेंट्स की परमिशन नहीं है तो किसी बच्चे को फोर्स नहीं किया जाएगा या उसको उसके एवज में उसकी एब्सेंट काउंट नहीं किया जाएगा कि कोई बच्चा अगर स्कूल नहीं आया है इस क्लास ग्रुप का। इसके साथ ही कोचिंग गतिविधियों को भी शुरू करने का निर्णय लिया गया है। बता दें, इस बाबत DDMA की ओर से SOP भी जारी कर दी गई है। आपको बता दें कि दिल्ली में स्कूल, कॉलेज, कोचिंग सारे संस्थान खोल दिए गए हैं, लेकिन सख्त गाइडलाइंस भी जारी किए गए हैं और इन नियमों के मुताबिक ही सारे संस्थान को चलाए जाएंगे। पहला, 50% क्षमता तक बच्चे एक बार कक्षा में बच्चे क्लास कर सकते हैं। दूसरा, अलग अलग समय के हिसाब से हर क्लास में सोशल डिस्टेंसिंग का फॉर्मूला अपनाया जाएगा। तीसरा, मॉर्निंग शिफ्ट और इवनिंग शिफ्ट की क्लासेस के बीच कम से कम 1 घंटे का गैप होना अनिवार्य है। चौथा, बच्चों को खाना पीना, अपने सामान, किताब एक दूसरे को साझा करने की अनुमति नहीं होगी। पांचवा, लंच ब्रेक को किसी ओपन एरिया में अलग अलग समय पर रखने की सलाह दी गई है ताकि एक साथ भीड़ जमा ना हो सके। छठा, क्लास में एक सीट छोड़कर बैठने की व्यवस्था की जाएगी। सातवा, बच्चों को स्कूल बुलाने के लिए माता पिता की मंजूरी अनिवार्य है। माता पिता बच्चे को स्कूल भेजने के लिए बाध्य नहीं है। आठवा, कंटेनमेंट जोन में रह रहे शिक्षकों को स्कूल आने की अनुमति नहीं है। नौवा, कंटेनमेंट जोन में रहने वाले टीचर, स्टाफ या छात्रों को स्कूल आने की इजाजत नहीं मिलेगी। दसवा, स्कूल परिसर में क्वारंटीन रूम भी बनाया जाएगा ताकि जरूरत के समय बच्चों को या स्टाफ को उसमें रखा जा सके। ग्यारहवा, स्कूल के गेट पर थर्मल स्कैनर अनिवार्य है। स्कूल परिसर में सभी को मास्क लगाना जरूरी है। सैनिटाइजर की व्यवस्था भी की जाएगी। बारहवा, स्कूल की साफ सफाई का ध्यान रखा जाएगा और शौचालयों में साबुन और पानी का इस्तेमाल भी किया जाए। तेरहवा, स्कूलों के प्रमुख को यह सुनिश्चित करना होगा कि सभी स्टाफ वैक्सीनेटेड हो। अगर कोई स्टाफ वैक्सीनेटेड नहीं है तो इसे प्रमुखता देनी होगी।
तो दिल्ली में कोरोना संक्रमण के मामलों में कमी को देखते हुए सरकार ने स्कूल तो खोल दिए हैं, लेकिन कोरोना गाइडलाइंस के बीच ही स्कूलों को अब संचालित करना होगा। अब स्कूलों के लिए ये बहुत ही बड़ा चैलेंज होगा कि कैसे बिना संक्रमण की स्थिति पैदा की हुए उन्हें स्कूल को पूर्ण रूप से संचालन करना होगा। खबरों में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की ताज़ा अपडेट्स के लिए लॉगिन करें www.thenationalbulletin.in पर।